व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स क्वाइटनेस, शाम बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस रहती है, अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगी और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। लेट्स गो। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। कुछ चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन्होंने अलग बनाए हुए हैं और बारबेक्यू वगैरह अलग बनाए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो जी, हम इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि हमने जो यहाँ का मील है वो कैसा था और हमने इंजॉय किया या नहीं किया, इसका रिव्यू आपको ज़रूर देंगे। तो यहाँ थोड़ी सी रश कम थी वरना, और व्यू हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा व्यू मिल जाए जहाँ से जो है ना इजीली हम वहाँ पे बैठे जहाँ पे अच्छा व्यू हो। और ये देखें, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत व्यू था ये और बहुत ही हसीन। मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट जगह है, मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो मैं लाजमी जाती हूँ मुनाल, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें जी, ये कोविड की वजह से जो है वो मास्क जो है वो सब ने पहने हुए थे और रश देखें फिर भी अच्छी खासी थी। एक वाहिद ये वाला रेस्टोरेंट था कि इसमें थोड़ी सी रश कम थी और इसके जो बराबर वाले थे वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो फुल भरे हुए थे। तो यहाँ से आप प्रॉपर व्यू देखें कि प्रॉपर इस्लामाबाद कितना हसीन लगता है, प्रॉपर नज़र आता है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था और जी इसके बाद जो है वो हम आपको आगे दिखाएँगे कि यहाँ साथ ही इसके साथ ही दूसरा रेस्टोरेंट जुड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये नीचे वाला जो फ्लोर था ये फुल भरा हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। नॉर्मली जो लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं, आप लोग कोई इवेंट अरेंज कर सकते हैं। और सबसे प्यारी जो इस जगह की बात है, आप ये देखें पूरा इस्लामाबाद आपको नीचे नज़र आता है और बहुत खूबसूरत प्लेस है ये। और शाम जब होती है, थोड़ी शाम शाम होना शुरू होती है, तब तो बहुत ही हल्की हल्की सी ठंडी हवाएँ आ रही होती हैं और आप यहाँ बैठ के शीशा पिएं, खाना खाएं, इंजॉय करें, बहुत खूबसूरत जगह है। तो जी, हमारा फ़ोटो शूट भी हो गया है और खाना भी आ गया है। स्टार्टर में हमने यहाँ मंगवाई थी सूप, जो कि बहुत ही मज़े की थी, बहुत अच्छी थी। और उसके साथ ही जी मेरा मोस्ट फेवरेट हमस, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ का हमस भी बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी उसके साथ हमने यहाँ ऑर्डर किया था कुछ फ़िश एंड चिप्स, और फ़िश एंड चिप्स के बाद जी हमने यहाँ किया था चीज़ी गोला कबाब। फ़िश एंड चिप्स सब कुछ बहुत अच्छा था, बस चीज़ी गोला कबाब मुझे इतने ज़्यादा कोई अच्छे नहीं लगे। तो आई सजेस्ट कि आप जब भी जाएं तो प्लीज़ मत मंगवाएं, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, बस एवरेज था, एवरेज कहेंगे। और जी उसके साथ ही जी बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया कुछ हमने, ये अच्छा था, फिश थी और टिक्का वगैरह थे। और जी साथ में ही हमने फ्राइड राइस और कढ़ाई वगैरह मंगवाई। तो जी बाकी सब कुछ अच्छा था, बस मुझे इनके जो है वो चीज़ी गोला कबाब जो हैं वो इतने अच्छे नहीं लगे। तो जी खाना हमने इंजॉय कर लिया था जी, उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ बाकी विज़िट करें। हम आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि मुनाल रेस्टोरेंट पूरा देखने में कैसा है और कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये व्यू तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और यहाँ से प्रॉपर जो इस्लामाबाद नज़र आ रहा है वो भी आप देख चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितने मज़े मज़े की शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ एंटिक ज्वेलरी मिलती है, और एंटिक ज्वेलरी के साथ साथ आपको शॉल्स, ड्रेसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो ये देखें जी, सारी ज्वेलरी आप देखें, बहुत खूबसूरत और बहुत ही हसीन ये ज्वेलरी है, और साथ में और भी बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, आप इसको एंजॉय करें। तो ज्वेलरी की शॉपिंग तो हमारी हो गई है, तो अब हम आगे विजिट करते हैं। तो जी ज्वेलरी के साथ ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखें, ये बैक साइड का व्यू है और यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स रखे हुए हैं। और फ्लावर्स के बाद जी आप थोड़ा ही आगे जाएंगे तो मेरी मोस्ट फेवरेट एक स्टॉल है जहाँ मिलता है गोला गंडा, जो कि हम बचपन में खाते थे। जैसे कि आपको पता है कि वो हर वेदर में बहुत अच्छा लगता है, इवन ठंड में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी हम आज खाएँगे गोला गंडा और हम उसको इंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। जी आप क्या बना रहे? गोला गंडा। गोला गंडा ये स्पेशलिटी है यहाँ के मुनाल की? जी।
फाइनली कितने अरसे से बना रहे हैं आप ये? एक साल से बना रहे हैं। वाओ, तो आप अपने व्यूवर्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि वो यहाँ आएँ और बहुत मज़े का गोला गंडा लाजमी खाएँ। तो जी, ये बहुत मज़ेदार किस्म के गोले गंडे हमारे बिल्कुल रेडी होके और हमने इसको किया खूब इंजॉय। और साथ ही जी वेदर भी बहुत हल्का हल्का सा ठंडा होने लगा था और फिर हमने सोचा वापस जाया जाए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। घूमते हैं आप, पता है वीडियो बनाओ ना, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो अंकल को लेके भी जाते हैं। नहीं पकड़, बच्चे को भी आप नहीं पकड़ सकते, राइट साइड और दोनों। मनाल से नीचे जब हम वापस आए तो यहाँ बहुत सारे बंदर थे और आप देखिएगा आगे के कितने सारे हैं और ये आराम से गाड़ियों पे भी चढ़ रहे थे, वो बड़े अच्छे लग रहे थे ये यहाँ पे घूमते। कितना क्यूट है छोटा सा, छोटा था ऊपर एक बड़ा वाला आगे सीधा इधर चढ़ा इधर आगे तो ऊपर छत पे बैठ गया। तो जी ये देखें, ये है फैसल मस्जिद और कितना ही खूबसूरत ये व्यू है। तो हमने तो बहुत इंजॉय किया, मुझे लगता है आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग को एंड। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।